हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक। एसडीआर गाइड में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं नई नई वीडियो बनाकर लिखा रहता हूँ आप लोगों के सामने, तो आज का टॉपिक है फर्स्ट एड प्रोसीजर। तो ये फर्स्ट एड प्रोसीजर किस तरह से लिखा जाए, ओके, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से, यानी जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो प्रोजेक्ट के साथ में सेफ्टी प्लान वगैरह सब जाता है, और जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों का फर्स्ट एड प्रोसीजर कैसा है, किस तरह से आप लोग डील करोगे फर्स्ट एड, जब कोई इंजर्ड हो जाएगा तो किस तरह से आप लोग डील करोगे, समझ गए। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि एक फर्स्ट एड प्रोसीजर बनाकर क्लाइंट को भेजना चाहिए अप्रूवल के लिए, ओके, ताकि क्लाइंट सेटिस्फाइड हो जाए कि भाई हाँ भाई, ये लोगों का एक ब्रांडेड कंपनी है, ये लोग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हर एक कंपनी अपना एक प्रोसीजर डालती है। तो बिना टाइम ज़ाया करे हम लोग अभी अपने टॉपिक पे चलेंगे और सीखेंगे कि भाई किस तरह से सेफ्टी फर्स्ट एड प्रोसीजर लिखा जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना वक्त ज़ाया करे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, स्कोप, सबसे पहले स्कोप लिखा जाएगा, ठीक है। स्कोप के अंदर ये बताया, ये लिखा जाएगा कि मैंने इधर एक्स वाई जेड कंपनी लिख दिया है, यानी जस्ट ऐसे ही मैंने लिख दिया है, आप लोग अपनी कंपनी का नाम लिख देना। प्रोसीजर अप्लाइज टू ऑल एक्स वाई जेड कंपनी ऑफिसेज एंड कवर्स एवरी एम्प्लॉयज वर्किंग फॉर एक्स वाई जेड कंपनी, ओके। दिस प्रोसीजर आउटलाइंस द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ बेसिक फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट्स। तो जो भी एक्स वाई जेड कंपनी में, यानी जो काम करता है, आप लोग अपनी कंपनी का नाम लिखना है। जैसे आप लोगों की कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका पूरे लोगों को कवर करना है, ओके, और उसके मुताबिक आप लोगों को बेसिक फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट देना है, ठीक है। दूसरी, तो बिना वक्त ज़ाया करें हम लोग अभी क्या करेंगे कि मैं वन बाय वन स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा, क्योंकि मैं अगर पढ़ूंगा ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ओके। आप लोग मैंने हिंदी में ऑलरेडी ट्रांसलेट कर दिया गया है नीचे, ओके। चले चलते हैं, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और आप लोग पढ़ते चले जाइए, कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग हिंदी का ट्रांसलेट देख लेना, ठीक है। किस तरह से प्रोसीजर लिखा जाता है आप लोग समझो, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स है हिंदी में मैंने दे दिया है, आप लोग देख लेना। फिर इसका रेफरेंस देना है कि भाई किस तरह से आप लोग रेफरेंस से, किसके रेफरेंस से, मतलब ये कैसे रेफरेंस से आप लोग ये फॉलोअप कर रहे हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, ओके, इसका एक रेफरेंस दे देना आप लोगों को। फिर इसके अंदर क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, किसकी किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके अंदर सब आएगी तीसरा पॉइंट के अंदर, ओके। तो ऑल एक्स वाई जेड कंपनी एम्प्लॉयज बी अवेयर ऑफ द नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड लोकेशन ऑफ देयर अपॉइंटेड फर्स्ट एडर एंड द लोकेशन ऑफ नियरेस्ट फर्स्ट एड किट बॉक्स। जितने भी एक्स वाई जेड कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, यानी एक्स वाई जेड कंपनी के अंदर आप लोगों का कंपनी का नाम आएगा, आप लोगों की कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं फर्स्ट एड के, जो फर्स्ट एडर है उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, और वो एक नियरेस्ट लोकेशन में जहाँ वो लोग काम करते हैं ना, उसके नियरेस्ट लोकेशन में उसका फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एडर होना चाहिए उधर, समझ गए। कंस्ट्रक्शन मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, इसके बारे में सब लिखा हुआ है आप लोगों ने। फिर उसके बाद सेफ्टी मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्स्ट एडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा मैंने हिंदी में लिख दिया गया है। ज़्यादा बयान करने की, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर वीडियो लंबी हो जाएगी। अब ये डेफिनेशन है, फर्स्ट एड का डेफिनेशन है इसके अंदर, ओके। फर्स्ट एड इन अ केस वेयर अ पर्सन रिक्वायर्स ट्रीटमेंट फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और रजिस्टर्ड जनरल नर्स, ट्रीटमेंट फॉर द पर्पज ऑफ द प्रिजर्विंग लाइफ और मिनिमाइजिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंजुरी एंड इलनेस अंटिल द सर्विसेज ऑफ सच अ प्रैक्टिशनर और सच अ नर्स आर ऑब्टेन। तो फर्स्ट एडर जो है, यानी उसका वेल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके, और वो रजिस्टर्ड फर्स्ट एड होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई माइनर इंजरी वगैरह है तो उसको मतलब ट्रीटमेंट करने आना चाहिए, ओके, और वो जो माइनर इंजरी जो भी है वो रजिस्टर्ड मेल नर्स,
इसको बोलते हैं फर्स्ट एडर। ओके, एक फर्स्ट एडर यानी मेल नर्स बड़ा हो जाता है, एक फर्स्ट एडर ही होता है लेकिन रजिस्टर्ड होता है, और लोकल जो जहाँ जो भी कंट्री होती है, जो भी कंट्री का फर्स्ट एड होता है वो लोकल में एक एग्ज़ाम देता है फर्स्ट एड का, और उसी को वो लोग माना जाता है, वो ऑथोराइज पर्सन होता है वो फर्स्ट एड के लिए। कोई भी ऐरा गहरा कोई भी एम्प्लॉय खड़े होकर इंजुरी एम्प्लॉयज़ को फर्स्ट एड नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्शन होगा कुछ होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए ऑथोराइज पर्सन ओनली होना चाहिए, ट्रेनिंग उसका होना चाहिए, ठीक है, उस फर्स्ट एडर का ट्रेन होना चाहिए, फुल्ली ट्रेन होना चाहिए। इसे हिंदी में लिख दिया गया है, ज़्यादा वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट एड इक्विपमेंट, ठीक है, इंक्लूड फर्स्ट एड किट एंड अदर इक्विपमेंट यूज टू ट्रीट इंजरीज एंड इलनेस। ओके, क्या क्या इक्विपमेंट होना चाहिए वो सब लिखा हुआ है। फर्स्ट एड फैसिलिटीज इंक्लूड फर्स्ट एड रूम, एक तो फर्स्ट एड रूम होना चाहिए, हेल्थ सेंटर, क्लीन वाटर सप्लाईज एंड अदर मेडिकल फैसिलिटीज नीडेड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग फर्स्ट एड, क्योंकि वाटर सप्लाई का उधर यानी सिस्टम होना चाहिए, वाटर सारे सब क्लीन होना चाहिए, क्लीन वाटर सप्लाई होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी प्रॉपरली होना चाहिए, ये सब एक अच्छा रूम होना चाहिए साफ़ सुथरा। ओके, फर्स्ट एड के लिए इसका प्रोसीजर जो है इंट्रोडक्शन अभी दिया हुआ है, प्रोसीजर जो आप लोग देखो पढ़ते जाइए, अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताना और मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं गल्फ़ में मोर देन 22 ईयर से मैं रह रहा हूँ, और मैंने 10 साल सेफ्टी मैनेजर में काम किया हुआ है और 10 साल सेफ्टी इंजीनियर में, और करंटली वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंट में मैं एज ए सेफ्टी इंजीनियर में काम कर रहा हूँ। ओके, सो मैंने सोचा कि ये अच्छा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे इसके ज़रिए मैं अपने नॉलेज को आप लोगों तक मैं पहुँचा सकता हूँ। ओके, तो ये पढ़ते जाइए, हिंदी में मैंने लिख दिया है, आई होप कि आप लोगों को इसमें मज़ा आ रहा होगा। और जैसे कि द पर्पज़ ऑफ प्रोसीजर इज़, ये पर्पज़ किस लिए ये प्रोसीजर बनाया गया है, ओके, ये सब लिखा हुआ है। ओके, आउटलाइन द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द प्रोविज़न ऑफ सुटेबल एंड सफिशेंट फर्स्ट एड रिसोर्सेज, आउटलाइन द सब स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ बोथ ऑफिस एंड साइट एम्प्लॉयज ऑफ एक्सवाइजेड कंपनी। द पर्पज ऑफ द फर्स्ट एड अरेंजमेंट इज़, फर्स्ट एड को क्यों बनाया गया है, क्यों लाया गया है, क्योंकि एक तो लोगों की जान बचा सके, ठीक है, लोगों को मतलब लिमिट द इफेक्ट ऑफ द कंडीशन, टू प्रमोट रिकवरी, ट्रीट माइनर इंजुरीज विच वुड अदरवाइज रिसीव नो ट्रीटमेंट। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, किस तरह से मतलब इसको इम्प्लीमेंट करना है साइट पर। द फॉलोइंग प्रोसीजर आउटलाइन द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द प्रोविजन ऑफ सुटेबल, ओके, सफिशिएंट फर्स्ट एड रिसोर्सेज, किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है साइट में। देखिए मेथड लिखा हुआ है साइट में बाजू में, आप लोग देख सकते हैं, और डिटेल्स, फर्स्ट एड अरेंजमेंट, सो ऑल एक्स वाई जेड कंपनी ऑफिसेज विल नीड टू कैरी आउट एन असेसमेंट ऑफ फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट। ओके, फर्स्ट एड अरेंजमेंट मस्ट बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स टू ऑल इंजुरी, शायद ऑल में डबल एल आएगा, मैं इसमें लिख देता हूँ, इधर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये मैं एक्चुअली एक हाथ से कैमरा पकड़ा हूँ, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बहुत हिल रहा होगा, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सो ये सारा सब मेथड है, डिटेल्स इसके अंदर दिया हुआ है। ओके, ये सारा सब कुछ है ना सेफ्टी मैनेजर के अंडर में होना चाहिए, फर्स्ट एड भी, ठीक है, ये वही टेक केयर करेगा ये सब सारी चीज़ें। और जब भी फर्स्ट एड को कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो वो रिक्वेस्ट करके मंगाएगा, और ये सब सारा सब कुछ लिख देना है इसके अंदर।
रिस्क असेसमेंट, एन एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू मेक एन असेसमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क इन योर वर्क प्लेस। जो भी फर्स्ट एडर आता है साइट में, वीकली बेसिस पे आप लोग फर्स्ट एडर से इंफॉर्मेशन लेकर रिस्क असेसमेंट निकाल सकते हैं कि भाई हमारे प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है और किस तरह से अभी मतलब कंडीशन है हमारे, कितने टाइप की इंजरी हो रही है, समझ गए, उसका रिस्क असेसमेंट निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। और उससे वो लोग आप लोग मतलब सतर्क रह सकते हैं। ये है जैसे कि एस्पेक्ट टू कंसीडर इम्पैक्ट ऑन फर्स्ट एड प्रोविजन, ओके, इम्पैक्ट एंड एस्पेक्ट, ओके, ये देख लो, इसमें मैं लिख दिया है कंप्लीट, पढ़ के आप लोग समझ ही सकते हैं। अगर इसमें कुछ नहीं समझ रहा है तो बहुत बता देना। कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ फर्स्ट एड रिक्वायर्ड, ओके, ये कैलकुलेट कर दिया गया है नंबर ऑफ फर्स्ट एड रिक्वायर्ड इन एनी कंपनी, द नंबर एंड टाइप ऑफ फर्स्ट एड पर्सनल वुड बी बेस्ड ऑन असेसमेंट। इन असेसिंग नीड एम्प्लॉयर्स नीड टू कंसिडर। तो ये डिपेंड्स है ना कि किस तरह का काम है और कितने तरह के हजार्ड्स है साइट में, किस तरह का किस टाइप का काम है उसके ऊपर, वो सब ऑर्गेनाइजेशन कितनी है, कितने एम्प्लॉयज है, उसके ऊपर डिपेंड होता है फर्स्ट एड को लाना उन लोगों को, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट, नेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क प्लेस, रिमोटनेस ऑफ साइट एंड एमरजेंसी मेडिकल सर्विस, ये सारा सब कुछ है। ओके, ये जो फर्स्ट एड है ना, इधर लिख दिया गया है कि वर्क प्लेस में ऑफिसर्स एंड प्रोजेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, एक से लेके 100 तक फर्स्ट एड इंक्लूडिंग कवर, एक फर्स्ट एड लगेगा, ओके, और डिपेंड्स ऑन वर्क के ऊपर भी है और नेचर ऑफ वर्क के ऊपर। अगर ज़्यादा रिस्क है तो 1 to 100 के अंदर दो फर्स्ट एड भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही फर्स्ट एड रखना है, डिपेंड्स नेचर के ऊपर है। ओके, मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट एडर, फर्स्ट एड ड्यूटीज कैन बी फिजिकली डिमांडिंग एंड एन इंटेंसिव कोर्स ऑफ स्टडी इज रिक्वायर्ड। सेलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फॉर फर्स्ट एड ट्रेनिंग शुड बी बेस्ड ऑन फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज एंड पर्सनल क्वालिटीज सच एज रिलायबिलिटी एंड एबिलिटी टू रिमेन काम इन एन एमरजेंसी। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट द अदर टास्क on which first aiders are employed should be such as to allow them to leave them immediately and to go rapidly to scene of an emergency, ठीक है। नीचे ट्रांसलेट दे दिया गया है, अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था आप लोग पूछ सकते हैं। फर्स्ट एडर को जैसे है कि अप्रूव्ड कोर्स वगैरह होना चाहिए उसका, ओके, रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से। जब भी आप लोग फर्स्ट एड अपॉइंट करेंगे तो आप लोग देख लेना, ऐसे ही चलते फिरते किसी को भी फर्स्ट एड नहीं बना देने का, ये बहुत ज़्यादा डेंजर है, ओके। तो यू हैव टू बी, बिफोर यू अपॉइंट एनी फर्स्ट एडर, यू हैव टू बी प्रॉपरली चेक इस सर्टिफिकेट एंड चेक दिस इंस्टीट्यूट, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, यू हैव टू बी चेक, ओके। सर्टिफिकेट जो है, ट्रेनिंग जितना जहाँ भी लिया हुआ है कम से कम मिनिमम 3 साल का होना चाहिए, ओके। और लोकल बॉडी से भी, जहाँ भी जिस भी कंट्री में भी वो काम करता है उसका लोकल का जो है ना, उस कंट्री के का भी फर्स्ट एड कोर्स होना चाहिए उसके पास। वो अपनी कंट्री से तो वो किया हुआ है, लेकिन जिस कंट्री में वो काम कर रहा है उस कंट्री के लोकल बॉडी से भी उसको फर्स्ट एड लेना चाहिए, अप्रूव्ड कोर्स वगैरह, ताकि वो यहाँ के इन्वायरमेंट से भी वाकिफ हो जाए। और एनीवे आगे चलते हैं और अपने टॉपिक की तरफ।
फर्स्ट एड को जो भी है ना रिपोर्ट करना चाहिए मैनेजर को, सेफ्टी मैनेजर को, कितने लोग बीमार है, क्या है, कैसे है, सारा सब कुछ वो मैनेज करेगा सेफ्टी मैनेजर। लेकिन रिपोर्टिंग सिस्टम ना फर्स्ट एड का अच्छा होना चाहिए, समझ गए। इंश्योरेंस वगैरह जो है ना, फर्स्ट एड एन अपॉइंटेड पर्सन अपॉइंटेड टू प्रोवाइड फर्स्ट एड असिस्टेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, द नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में। टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगा मैं आप लोगों का। ये एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर बनाना अगर आप लोग सीख जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये मैं आप लोग उतार भी सकते हैं, और अगर किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है प्रोसीजर बनाने में तो मुझसे बोल भी सकते हैं, ठीक है। अब ये है जो ये टेबल है, ये फर्स्ट एड बॉक्स का, ठीक है। ये पूरा जो फर्स्ट एड का लिखा हुआ है, ठीक है। और एवरी मंथ में जो आप लोगों ना, जो सेफ्टी मैनेजर है जो साइट का, वो एवरी मंथ में एक बार चेक करना चाहिए सब कुछ, फर्स्ट एड के क्या है उसके पास, कोई और कोई दवा वगैरह एक्सपायर तो नहीं हुई है, ठीक है ना। सारा सब कुछ इंस्पेक्शन होना चाहिए एवरी मंथ। ये सब फर्स्ट एड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो खुद अपनी दवाओं को जो भी है, जो भी उसने रखा हुआ है एज़ पर द लिस्ट, इट शुड नॉट बी एक्सपायर। इफ देर इज एक्सपायर जस्ट इमीजिएटली इन्फॉर्म टू द कंसर्न पर्सन। ओके, अगर बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट है जो इसमें ये भी इंक्लूड करना चाहिए कि अगर फर्स्ट एड के साथ में एक एम्बुलेंस भी चाहिए, ठीक है। एम्बुलेंस 24/7 खड़ा रहना चाहिए ताकि इनके जब एनी इंजरी हो जाए तो हॉस्पिटल में इमिजिएटली पहुंचा सके। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। ओके, और फर्स्ट एड बहुत रिस्पॉन्सिबल, बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। जो कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है, फर्स्ट एड डायरेक्टली रिपोर्ट टू द सेफ्टी मैनेजर। ओके, डायरेक्ट सेफ्टी मैनेजर को रिपोर्ट करना चाहिए। ओके, और उसके ऑन उसकी वजह से ही, मतलब वो सेफ्टी मैनेजर जो है सारा सब कुछ इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इन द इवेंट ऑफ मल्टीपल कैजुअलिटी द सेफ्टी मैनेजर शैल टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। फर्स्ट एडर शैल, अगर मल्टीपल कैजुअलिटी होता है एक से ज़्यादा यानी, तो सेफ्टी मैनेजर को चार्ज इमीडिएटली ले लेना चाहिए हाथ में। और फर्स्ट एडर शैल बी समन बाय क्विकेस्ट पॉसिबल मीन्स टू असिस्ट एंड शैल एग्री डिमार्केशन ऑफ ड्यूटीज अपॉन अराइवल। ओके, हिंदी में दे दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिए। फर्दर इंफॉर्मेशन गाइडेंस एंड रेफरेंस, आगे का जो इन्फॉर्मेशन है जो क्या क्या होना चाहिए। ओके, ये गाइड दे दिया गया है, एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट फॉर्म होना चाहिए, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल होना चाहिए, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होना चाहिए। ओके, फर्स्ट एडर के पास ये सब चीज़ होना चाहिए, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क असेसमेंट एक्सीडेंट एंड इंसीडेंट प्रोसीजर PMC हेल्थ एंड सेफ्टी मैनुअल वगैरह, ये आगे जो रेफरेंस, इस तरह से सब कुछ होना चाहिए पास में। ओके, चलिए चलते हैं, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और
फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।